स्टूडेंट, आई एम सलमान एहसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट को कंप्लीट करेंगे इसी लेक्चर में। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है फाइंड द वॉल्यूम, ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड whose edges are represented by the vectors। Basically, आपको main जो इसमें क्या मालूम करना है, volume of parallelepiped। तो भाई volume of parallelepiped क्या था? Volume of parallelepiped था volume basically A dot B cross C। ये किसको present करता है? ये एक triple product को present करता है और ये जो equal होता है वो इसके equal होता है। तो simple यहाँ पे हम क्या करेंगे, volume of parallelepiped का सबसे पहले formula याद होना चाहिए जो कि ये होता है और ये किसके equal होता है, ये इसके equal होता है। तो ये एक vector ये दिया गया है, दूसरा vector ये दिया गया है और तीसरा vector ये दिया गया है। सबसे पहले ए बी सी इनको लेट करेंगे और फिर इनको बारी बारी इनके जो कंपोनेंट है आई जे के साथ वो लिख के डिटरमिनेंट निकालेंगे और अपना वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड दे देंगे, जो बहुत ही ज्यादा आसान है और पेपर पॉइंट से ये चीज इंपॉर्टेंट भी है। तो पेपर पॉइंट से आपने इसको तैयार करके जाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 ले चुके हैं, जिसमें हमें गिवन दिए गए थे 3 वेक्टर्स और कहा गया था रिक्वायर्ड जो दिया गया था फाइंड करने के लिए कहा गया था, वो कहा गया था कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। तो भाई वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड बेसिकली ये फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का, इस फार्मूले को यूज करते हुए हम इसका वॉल्यूम निकाल कर देंगे। तो चले जी करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसने ए ये जो 3 वेक्टर दिए गए थे इनको हम लेट कर लेते हैं ताकि ड्यूरिंग द सॉल्यूशन हमारे लिए आसानी हो। सबसे पहले इसको ए कहेंगे, दूसरे वाले को बी कहेंगे और तीसरे वाले को सी वेक्टर लेट कर लेंगे। से जी, अब हमें रिक्वायर्ड है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। तो भाई वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड जो है बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। से जी भाई ये है, हमें बेसिकली ये मालूम करना है तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। आप चाहे ये स्पेलिंग लिख दें या चाहे तो ये भी लिख देंगे तो कोई मसले की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे वॉल्यूम, ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। आप चाहे तो पूरे स्पेलिंग लिख देंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। तो वो क्या होता है, बेसिकली ए डॉट बी क्रॉस ए सी वेक्टर होता है। तो ये किसके इक्वल होता है, ये बेसिकली इक्वल होता है ए एक्स बी ए वाई ए जेड, यानी कि आई जे के साथ जो कंपोनेंट होते हैं वो। फिर उसके बाद बी वेक्टर है तो बी के, से जी। फिर उसके बाद में सी वेक्टर है, सी वेक्टर के, से जी। ये हो गया। तो अब हम इनके वैल्यू यानी कि ए बी सी जो वेक्टर उनके कंपोनेंट डालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं और अपना आंसर दे देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, ठीक है जी बेटा, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आपने फुल फॉर्म ही लिखनी है। तो इसको एक्सपेंड करते हैं तो जरा देखिएगा क्या होगा। ये 3 है, ये 2 है, ये -1 है, इसके अलावा ये 1 है, ये -2 है, ये 1 है, इसके अलावा ये 1 है, ये 2 है और ये -4 है। इसको एक्सपेंड करते हैं रो 1 से, तो ये 3 आ गया, सिंपल सी बात है, ये रो ये कॉलम गया, तो यहाँ पे -2, 2, 1 एंड -4। उसके अलावा आपके पास ये गया और ये गया, तो 1, 1, 1, -4। उसके अलावा प्लस माइनस माइनस ये गया, तो ये रो और ये कॉलम गया, तो ये 1, -2 और ये 1। उम्मीद करता हूँ ये चीज तो बड़ी आसान है कि जिस जहां से एक्सपेंड करते हैं वो रो वो कॉलम गायब करके जो बच रहा होता है उसको लिख देते हैं। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो भाई आपको पता है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस आ जाएगा। तो इन तीनों को इसी फार्मूले के फॉर्म में करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दुनी 8, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2 और बीच में फॉर्मूले का माइनस। फिर इसी तरीके से इधर आ जाए, 4 एकम 4 माइनस का, 1 एकम 1 और बीच में माइनस। फिर इधर जरा देखें, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 माइनस का, लेकिन ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस कर कर। अब इधर जरा देखें 3, यहाँ पे आपके पास 8 में से 2 गए, 6 बच गया, यहाँ पे आपके पास क्या बचा, माइनस 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 प्लस हो गया माइनस का 5। और यहाँ पे जरा देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 और 2, 4 हो गया, ठीक है जी। अब जरा देखें यहाँ पे क्या करेंगे, 6 3 18, ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस, 5 2 10 और ये 4 1 4 हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें 18 प्लस 10, ये बेसिकली 28 और माइनस किया तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा। तो लेकिन एक एक चीज करके दिखाना मेरे लिए आसान है कि बच्चा हर चीज एक तरीके से एब्जॉर्ब कर सके, तो इसीलिए कैलकुलेटर और एक एक चीज दिखा रहा होता हूँ ताकि आपके दिमाग में किसी किस्म की भी कंफ्यूजन ना रहे। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड जो आपको कहा गया था, सॉरी वॉल्यूम
पैरेललोपिपेड, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने फुल फॉर्म लिखनी है, वो आ गया 24। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताने की है, वो क्या, कि ये चीज आपके लिए पेपर पॉइंट व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको कैसे करेंगे, रिजल्ट लिखा, रिजल्ट के बाद आपको क्या कहा गया दिया कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, ठीक है जी, पैरेललोपिपेड मालूम करके दें। तो बेसिकली उसका फॉर्मूला यूज करते हैं, आपने क्या निकाला, 24 निकाला। अब आपको एक चीज बतानी है स्टूडेंट, फिजिक्स के अंदर आपने वॉल्यूम का यूनिट क्या पढ़ा था, मीटर क्यूब, है ना, यानी कि एम के ऊपर 3 होता था। इसी तरीके से अगर सेंटीमीटर में आ जाए तो उसके ऊपर ये आता था, अगर किलोमीटर में, सॉरी मीटर का लेंथ का तो यूनिट नहीं है, फिट आ गया, हाँ फिट भी एक लेंथ का यूनिट है, तो लेंथ क्यूब आता है। तो भाई वॉल्यूम बेसिकली किसका यूनिट, अगर मैं फिजिक्स में कहूँ तो भाई सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, फिट क्यूब, है ना, वॉल्यूम का यूनिट होता है। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटीज नहीं चलती, यहाँ पे हम जनरल टर्म्स लेते हैं। तो इसी तरीके से वॉल्यूम का क्या यूनिट बनेगा, क्यूबिक। अब इसका जो यूनिट बनेगा वो बनेगा क्यूबिक यूनिट। अब यूनिट बेसिकली कोई भी हो सकता है, मीटर आ सकता है, फिट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि हम जो बेसिक कोई सिस्टम तो होता नहीं है फिजिक्स के अंदर, तो जनरल फॉर्म करते हैं, लेकिन क्यूबिक आएगा। तो अक्सर सर जो होते हैं वो ये चीज भी नोट कर रहे होते हैं कि हाँ भाई बच्चे का कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, इसका ये होता है क्यूबिक मीटर होता है, यानी कि जनरल फॉर्म में क्यूबिक मीटर आता है, यूनिट आता है। तो इस चीज को बच्चे की हाजिरी को देखते धमाके को भी एक एक नंबर काट जाते हैं। तो आपका प्लान फुल मार्क्स लेने का है, तो ऐसी छोटी गलती मत कीजिएगा। तो यहाँ पे आके देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, इसमें ABC वेक्टर दिए गए थे और कहा गया था ये पैरेललोपिपेड के 3 वेक्टर्स हैं, इनका वॉल्यूम मालूम करके दें। तो आपको फॉर्मूला बेसिक पता था, उसको यूज करते हुए आपने वॉल्यूम निकाल के दे दिया, जो कि आ गया 24। तो यहाँ पे हो गया ये खत्म, अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 ले चुके हैं, जो कि हमें दिए गए हैं, ये 3 वेक्टर दिए गए हैं और कहा गया है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड निकाल के दें। सबसे पहले हम इनको लेट कर लेंगे ताकि ड्यूरिंग द सॉल्यूशन हमारे लिए सॉल्यूशन करना आसान रहे। सही, इनको ABC वेक्टर लेट कर लिया। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, सिंपल A·B·C, सही है जी। तो ये आपने ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लिया, तो समझे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड निकाल लिया। ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, ये इस डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, जो हम सिंपली कर सकते हैं। तो मेन चीज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड है, जिसका मेन फार्मूला ये है, इस फार्मूले को यूज करते हुए इसका वॉल्यूम दे देंगे, सही जी बेटा। तो चले जी, मेन चीज हमें क्या रिक्वायर्ड है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे एंट्री डाल दें सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड है, जो बेसिकली A·B·C है, सही जी भाई, ये है, हां जी। तो ये इसके इक्वल होता है, तो आपको ये वाली बात भी पता है, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है इस डिटरमिनेंट के। तो ए वेक्टर AX, AY एंड AZ, फिर बी वेक्टर है BX, BY एंड BZ, फिर इसके अलावा सी वेक्टर है CX, CY एंड CZ, ठीक है जी बेटा, सिंपल। तो यहाँ पे आपने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड जो था उसका फॉर्मूला ये था, ये इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम वेक्टर्स के जो कंपोनेंट है IJK के साथ वो पुट करेंगे बारी बारी और इसका सिंप्लीफाई करके अपना वॉल्यूम दे देंगे, ठीक है जी बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड की शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखता हूँ V(P), आपने हमेशा फुल फॉर्म लिखनी है, क्योंकि अक्सर सर को ये नहीं पता होगा, सही है ना, क्योंकि जनरल फॉर्म है ना, तो ये तो अपनी खुद बनाई हुई है, कॉमन नहीं है, जो बुक में नहीं बताई हुई, तो आपने हमेशा फुल लिखना है, अक्सर सर बुरा मान जाते हैं। तो अच्छा जी, तो भाई ए वैक्टर सबसे पहले ए वैक्टर के साथ है 1-2 and 3, फिर उसके बाद में है 2-1 and -1, फिर उसके बाद है 1-2 and -4, ठीक है जी। अब इसको एक्सपेंड करते हैं रो 1 के थ्रू, तो रो 1 क्या है हमारे पास, जरा देखिए ये और ये गया -1, -1, 2 and -4, उसके अलावा ये माइनस का 2 है, आपको पता है दूसरी टर्म माइनस के साथ आती है, तो ये माइनस माइनस करके प्लस का 2 कर देगी, ठीक है जी बेटा। अब ये कॉलम ये रो गया, तो यहाँ पे आपके पास ये और ये रह जाएगा। इसी तरीके से आप आ जाते हैं 3 के ऊपर, तो भाई ये रो और ये कॉलम गया, तो यहाँ पे आपके पास ये बचेगा, ये और ये और ये। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको पता है क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस, 4 × 1 = 4, 2 × 1 = 2, माइनस का होगा और ये प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से 4 × 2 = 8, माइनस का, और 1 × 1 = 1, माइनस का, और ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस करके। फिर इसके बाद में 2 × 2 = 4, 1 × 1 = 1, माइनस का, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, और माइनस फॉर्मूले में आके माइनस माइनस प्लस कर देगा।
फिर दो और चार और छह, दो कितने हो गए छह, फिर इसके अलावा यहाँ पे कितने आ गए आठ में से वो गया तो ये माइनस का सात, फिर अलावा थ्री और चार और ये कितने हो गए पांच। अब इसको मजीद सोल्यूशन करते हैं, छह कम छह सात दुआ चौदह और ये प्लस माइनस माइनस का होगा, फिर इसके अलावा थ्री फाइव फिफ्टीन। अच्छा जी हम इसका सोल्यूशन करते हैं, तो इसके सोल्यूशन के लिए देखें सिक्स माइनस फोर्टीन और प्लस 15 लिखा है, तो ये इक्वल किया तो ये प्लस का 7 आ गया। तो ये आपने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड सॉरी पी, सही जी। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड आपने निकाल लिया, वो आपके पास क्या आ गया 7। तो आप अब यहाँ पे क्या करें, अब यहाँ पे आप अपनी रिजल्ट की हेडिंग डाल दें, ठीक है जी बेटा, कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या रिजल्ट, रिजल्ट की हेडिंग डाली, क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि भाई वॉल्यूम ऑफ पैरा लेलो पैरालेली, ठीक है जी, पैरालेले पेपेड निकाल के दें, वो आपने क्या निकाला 7। और आपको पता है वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक यूनिट, ठीक है जी बेटा, जनरल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये चीज जरूर लिख दिएगा, अक्सर सर नोट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट, मुझे दीजिए इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, अल्लाह हाफिज।